नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो आयुर्यालम नमो वज्रायालम ओलोए सर्वसाहूरम शुद्धात्मानमनेकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थम संदष्टार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोच मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम ये झाया झाणि गहे कम कलंक दहे निरंजन नानमय कृपण नम समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्व भावान करक्षिते बारह भावनाओं में पहली अनित्य असरण और संसार भावना का वर्णन किया है। ये बहुत अच्छी तरह विचार रखना चाहिए जिसमें हम मगन हो रहे हैं या जिसको पाने के लिए मचल रहे हैं वह अनित्य है और है तब तक भी असरण है। असरण का मतलब उसके आश्रय से सुख नहीं मिलेगा। कल्पना करो कल्पना करो लेकिन कल्पना मात्र रम्यम सेठ किलियों की कल्पनाएं हैं। इतना कमा लेंगे इतना बना लेंगे ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे उसके बाद फिर अपने कुछ नहीं। सेठ किली की कल्पना सेठ किली की कल्पना का कोई हेतु बताया था? आधारहीन कल्पना अतीन्द्रिय सुख का आधार आत्मज्ञान है। आत्मा नहीं अकेला आत्मदृष्टि आत्मभावना आत्मा अकेला नहीं। आत्मा तो अनादि अनंत है सुख क्यों नहीं है? आत्मदृष्टि नहीं आत्मघात नहीं है आत्म भावना नहीं है। आत्मा मोक्ष मार्ग नहीं कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग आत्मदर्शन आत्मज्ञान और आत्माचरण मिथ्या मान्यताएं हमें सच्ची लगती हैं तो जिन वचन काल्पनिक लगते हैं ये तो कल्पनाएं हैं। भैया काल्पनिक कल्पनाएं नहीं है यथार्थ ये यथार्थ स्वरूप है ये वस्तु का यथानुभूत उपदेश है। ये अभिमान है अनित्य के आश्रय से अभिमान होगा नित्य के आश्रय से ज्ञान होगा पराश्रय से ज्ञान पराश्रय से अभिमान स्वाश्रय से ज्ञान तो ऐसे अनित्य के आश्रय से अभिमान आएगा। अभिमान में दोनों समय लेना जरा सी उसमें कुछ होगी तो दीनता आ जाएगी। जैसे जो अज्ञान को ज्ञान समझता कुछ नहीं और ये समझता हम सब समझते हैं वह जीव कभी भी यथार्थ को नहीं समझ सकता। तो मान है ना हम सब समझते हैं। क्या समझते हो तुम? जितना समझते हो सब विपरीत है। कितना सुंदर है अरे अनित्य है ये समझते हो सुंदर सुंदर करते हो चाटो उसको और चाटता ही रहता है और करता क्या है उसी को चाटता रहता है।
चाटता, तुम्हारा हिंदी का शब्द है चेंटता, एक शब्द और है चेंटता है उसी में। अनित्य है, अनित्य है, बहुत अच्छी तरह करण है। अनित्य का मतलब, अनित्य का मतलब ऐसा ही रहने वाला नहीं है। सुनिए अनसुनी क्यों कहते हो, हमारी तो सब व्यवस्था ठीक चल रही, ठीक नहीं चल रही है। एक क्षण में पता पड़ जाएगा ठीक क्या ठीक होती है, क्या खराब होती है। कबीरी राज्याभिषेक होना था और वनवास को चल दिए, ठीक चल रही है। अज्ञानी को, अभिमानी को भविष्य की चिंता तो होती है, फिर आगे क्या होगा, सबे चिंता है, सबको चिंता है। कई लोग तो कह दे हैं, पंडित जी आपके बाद क्या होगा, कैसे रह पाएंगे, काय हम कछु ले जाएंगे का, हम कछु ले जाएंगे का, मतलब इतनी संतुष्टि प्रवचन मिल गया, अच्छो अच्छो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस खत्म, अब कैसे रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाए। रहने का मतलब है अपनत्व आना, अपनत्व आने का मतलब है उसकी उन्नति के बारे में सोचना। शिष्य बने तो गुरु बन जाएगा, और गुरु बनेगा तो शिष्य भी नहीं बन पाएगा, गुरु बनने की तो बात ही नहीं, अधकचरा बना रहेगा भीतर, अधकचरा। अभिमान है ना, अभिमान से पतन होता है, विनय से उत्थान होता है, लघुता से प्रभुता मिलती है, और प्रभुता का मद हो तो पामर्ग हो जाता है। कर्तव्य में अधिकार मिलता है, और की भावना रखे तो धिक्कार मिलता है। गिनवाणी न सुनना पाप है, लेकिन अनादर से सुनना, मदमच्छर भाव से सुनना, उपेक्षा से सुनना, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया भीतर में नहीं होना, न उसका विचार चलना, न उसकी वचन चेष्टा, न उसका कोई निर्णय, न कुछ, ये महापाप है। जो नहीं सुनते उनकी ओर तुम देख करके अपने को मेहनत मानते हो, अपनी ओर देख करके विचार करो, अनित्य है। क्यों पहली भावना लिखी बताओ, अरे पहली भावना, पहली भावना की है क्या लिखी है, तुम अनित्य को नित्य मान करके निश्चिंत बैठे हो। अनित्य को नित्य मान करके रौद्र ध्यान करते हो या आर्त ध्यान करते हो, तो ये बीमारी अनित्य है, दो मिनट में पता नहीं पड़ेगा, कामदेव और कुष्ठी हो गए, और कुश्ती फिर कामदेव हो गए, क्या मिनट में, क्या मिनट लगे उस कुष्ठ को दूर होने में भी। और कुश्ती होने में भी क्या मिनट लगे, आज एक फुंसी हो गई कल दूसरी हो गई, ऐसे उगा क्या, ये कोड़ी से देखो मैले कुचेले रहे, जेब नहीं ढंग से नहाए धोए, ढंग से अच्छी तरह रहे, मुन्नराज का अनादर किया था ना मलिन शरीर को देख करके, कर्म का उदय आ, अबे तो अपने मौन होकर के ध्यान में बैठे। एक काम करो, अपने सैनिकों से 700 लोग थे, एक काम करो डुबकी तो लगवा देना, अबे डुबकी लगवा चाहे कुछ करो, अभी तो अपने में डुबकी लगा रहे, ऐसी बात नहीं। इसलिए उन्हें राग द्वेष होने का कोई प्रश्न ही नहीं, समुद्र में गिरे और निकले, निकाल लियो। अभी जानते नहीं हो कर्म किसका नाम है, बांधने में तो अच्छा लग रहा है, जिनके भरोसे बैठे हो, जिनको, जिनके लिए समर्पण है तुम्हारा पूरा, वे सब अनित्य हैं, न्यारे हैं, न्यारे तुम्हारा कार्य करने में असमर्थ हैं, तुम्हें सुखी देने में असमर्थ हैं, तुम्हारा दुख बांटने में असमर्थ हैं। तुम्हारा सुपुत्र बेटा तुम्हारा दुख नहीं बांट सकता, ध्यान रखना, कुपुत्र की बात नहीं कर रहे,
दुख नहीं बांट सकता। अनित्य हैं, अरे जब छूटेंगे तब छूटेंगे, हैं उतनी देर भी तेरे लिए हाँ दुख का कारण सुख का कारण नहीं। जब जगत अनित्य भाषित हो असरण भाषित हो तब पंच परमेश्वर की शरण की बातें समझ में आएंगी, और नहीं तो हम कहेंगे तुम सुनोगे और तुम दूसरों को सुनाओगे। शरण की घर तो पड़े, रोचन सार जी का कोई दृष्टांत बताओगे? जहाज, समुद्र के बीच के जहाज, ऐसे जहाज नहीं, बंदरगाह पर अनेकों जहाज खड़े हैं, उसे क्या मतलब होगा? तमाम पेड़ लगे बीच में, वो पक्षी या कौआ जहाज पर बैठ करके चला गया चला गया चला गया, बीच समुद्र में पहुंच गया, चारों ओर न कोई जमीन है न कोई दूसरा जहाज है न पेड़ है। क्या जब उसे असरणपना भाषित होगा तब एकाग्र होगा उपयोग, यहां मन तब लगेगा सुनने में, सुनाने के लिए सुनते हैं। ये महापाप पर रक्ष से जिनवाणी का स्वाध्याय है, ज्ञानाभ्यास अपने लिए किया जाता है, प्रवचन दोहरा लो बस बैठ जाएंगे और दोहरवाएंगे। पंडित जी ने क्या कही थी, अकेले में बैठ करके अपने को पूछो ना क्या कही थी, शास्त्र में क्या लिखा था, शास्त्र में क्या लिखा था, अरे अपने से पूछो, शिष्य बनो अपने से कम से कम, अपने गुरु बनो, दूसरे के शिष्य बनोगे दूसरे के गुरु बनोगे, अपने गुरु बनो और अपने शिष्य बनो। कल वैसे ही क्या बैठे हो, दर्पण, दर्पण का एक अर्थ ये भी होता है, दर्पण दर्पण माने दर्पण नहीं अहंकार नहीं, दर्पण में कुछ भी जल के सोना जल के अभिमान आता उसे, इतनी भीड़ जल के अहंकार आएगा उसे, न उसे झलकाने का लोभ है और न झलकने पर, और न झलके ये तो कोई बात ही नहीं है, दर्पण है तो झलकेगा। निगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होना, निषेध का मतलब विधि नहीं होना, ठीक है? तो जो पॉजिटिव विचार नहीं करते तो निगेटिव तो चल ही रहा, पॉजिटिव विचार नहीं करेंगे तो निगेटिव तो चल ही रहा, आपको वो निगेटिव लगता ही नहीं। भाई संगी पंचेंद्रिय हैं तो विचार तो करे बिना नहीं रहेंगे, ये व्यापार अनित्य है, ये वैभव अनित्य है, ये भोग अनित्य है, ये यौवन अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, ये समागम अनित्य है, दुर्लभ बहुत दुर्लभ भावना क्यों लिखी, बहुत दुर्लभ है, मुश्किल से बन गया योग, अब कर लो जो कुछ कर लो। परम भाव परमानंदमय है, हैं प्रत्यक्ष अनुभव कर लो, परम दिगंबर मुनिवर आया है, सब मिल दर्शन कर लो, परम भाव परमानंदमय है प्रत्यक्ष अनुभव कर लो, मां भाग्य से मिला समागम सब मिल प्रत्यक्ष अनुभव करने में, एक कौतूहल शब्द भी तो है कोलाहल के साथ में, और होता ही है, जो चीज अपन सुनते हैं उसको प्रत्यक्ष देखने का भाव जगता है कि नहीं जगता, एड जो होती है ना एड बिल, बिल तो ये छोटे छोटे कहीं लगा देते, चित्र लगा देंगे कहीं कुछ बनाएंगे, तो वो काय के लिए पूरा देखने की जिज्ञासा जग जाए, एड वहां तक पहुंचाते ना, उस इतने से को देख करके पूरा देखने का भाव होता है। आत्मा के स्वरूप को सुनकर, आत्मा आराधन की शांति को देखकर,
आत्मा को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का यह जिज्ञासा कौतूहल न होवे तो उसने सुना ही नहीं। भोजन तैयार है और बैठा बैठा अपने बातें कतरा काम उसने सुनी ही नहीं है, क्या भूख नहीं लगी? भूख ही नहीं है उसे, बैठा है और भोजन तैयार है, अबले चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, हंसी आना अलग बात है, कृत्रिम हंसी दिखावटी अपने दोषों को छिपाने के लिए हंसी होना है, दिखाने के लिए हंसी होना, हंसाने के लिए हंसी होना, ये हंसी अलग है, हास्य नहीं है। प्रसन्नता अलग की है, हास्य अलग की है, प्रसन्नता स्वभाव है और हास्य कसा है, हास्य कसा है और प्रसन्नता स्वभाव है। पूरे पढ़ लो के बाद दूसरा चलो, अनित्य है अनित्य है, कब तक भाव, कब तक सोचो? जब तक अनित्य भाषित होकर वहां से विरक्तता ना आ जाए, कुंद कुंद जैसी समर्थ आचार्य ये जी बाहर के कार्यों को कर ले तो समर्थ मानने लगता है, लेकिन अपना कार्य करने में समर्थ, कुंद कुंद जैसे समर्थ आचार्य, विचारना क्या कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा ही ध्रुवत्व के कारण उपलब्धिमान है, बाद बाकी तो रास्ता चलते पर वृक्ष की छाया आ गई चली गई आ गई चली गई, इसमें कोई दम नहीं। सारा जगत अनित्य भाषित हो तब तुम्हारे को विरक्तता आएगी, वहां से उपयोग खाली होगा, नहीं तो वहीं उपयोग लगा, वह धर्माराधना के फल में भी उस अनित्य को जानता है, अनित्य को चाहता है, अनित्य की ही वांछा करता है। इंद्रिय सुख अनित्य है, क्षणभंग है, कल्पना मात्र है, वो भी एक कथन है, अनित्य है क्षण भर का सुख, अनित्य को अनित्य समझे, मिथ्यात क्या हुआ है, अनित्य को ही नित्य बैठा है, तो नित्य को जाने बिना, नित्य को जाने बिना अनित्य को ही नित्य समझा है। जैसे एक बात कही थी, संपत्ति के दो भेद कर दिए इसने, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, जानते हो गए, रुपया पैसा चल संपत्ति कहलाती और ये जमीन जायदाद अचल संपत्ति कहलाती, अचल है, अचल है, हमने तो एक कानून की बात बताई दी आपको, भले आपके नाम रजिस्ट्री है, आपका घर है, आप उसके मालिक हैं, आपके बाबा उसमें रह रहे थे, पिताजी रह रहे, आप रहे, बात आप रहे, नहीं संपत्ति, लेकिन गवर्नमेंट को यदि अपनी योजना के लिए वो जगह चाहिए तो आपसे ले लेगी, आपको दूसरी देगी, मुआवजा देगी, वो जो कुछ भी होगा, लेकिन वो जगह ये यहां से सड़क निकलनी है देनी है आपको, यहां फलाना बांध बनना है आपको, वहां दिया जाएगा, जाओ वहां जाओ, मतलब आपकी नहीं है, ये कानून कह रहा है। अपनी अपनी कहने वाले कितने पागल इसी भूमि में समा गए, नया ने कितने अपना अपना कहने वाले हुए और अपना नहीं हुआ किसी का, न साथ ले गए न और न स्वयं रह पाए, अनित्य है ये, ये समागम अनित्य है। अब कल देखेंगे, कल क्यों देखोगे, बीमारी का इलाज अभी करोगे और मोह का इलाज कल करोगे, सोचो समझो अनित्य है ये, नहीं भाषित होता,
क्यों नहीं होता? नित्य की दृष्टि से अनित्य का ज्ञान सम्यक होता है, अनित्य की दृष्टि से अनित्य का ज्ञान होता ही नहीं, उसी को अनित्य मान लेता है, उसी कर लिए, कुछ अनित्य मान लिया कुछ नित्य मान लिया। चार दिन का प्रवास हो गया और 40 वर्ष का निवास हो गया, ये कहां से आ गई? मूल निवासी, यहां के निवासी, वो निवास हो गया और 4 दिन कहीं रहे तो प्रवास हो गया। 4 दिन का प्रवास है, 10 दिन का प्रवास है, 1 महीने का प्रवास है, हैं? तो 40 वर्ष का भी तो ये प्रवास है, 50 वर्ष का, 100 वर्ष का प्रवास ही तो है। निवास देखो, जल्दी पड़ी है हमको पाठ करने की, हमने याद कर लिया, बहुत अच्छा लग, अच्छा लगना कुछ नहीं महत्व का, थोड़ा सा पुण्य बन जाएगा। सच्चा लगना चाहिए, सच्चा लगना चाहिए, अनित्य है या जितनी भी कर्म का उदय अनित्य है, पुण्य पाप फल मैं हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर्याय है। हाँ बोलो बोलो, अब बताओ क्या करोगे? उपज बिन से अनित्य है, ये क्षणभंगुर है, अशरण है, तुम्हें शरण की जरूरत ही नहीं है। एक बार स्वाध्याय में प्रश्न स्वाध्याय की चर्चा आई, बड़ी सुंदर चर्चा आई। प्रश्न या तो सर्वक को नहीं होगा या कुछ नहीं समझ में आया तो क्या पूछे हमको? बरसों कोई प्रश्न कहो भैया, ठीक है स्वाध्याय कर रहे पढ़ रहे, माने कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, कुछ भी कुछ समझना ही नहीं है, हम सब समझ गए। दूसरा आया, आओ भैया तुमने समझा है, माने हमको कोई जिज्ञासा नहीं, कोई कुछ नहीं, गरज ही नहीं है, लिखा है इसलिए पढ़ लेते, चत्तार शरणम, हमको लगता ही नहीं है शरण भूत है। ये तो जैन दर्शन की बातें हैं। गांधी जी कह देते थे ईश्वर से बड़ा वैद्य कौन है, तो तुम ईश्वर का स्मरण करते नहीं हो, दवाइयों में भरोसा करते हो, दवाइयों से ठीक नहीं होते, सब ईश्वर से कैसे ठीक हो जाएंगे कि इसमें में प्रसन्नता मिलेगी, तुम्हारा मिथ्या मोह छूटेगा हैं, और आसक्ति छूटेगी तो तुम्हारा कुपथ छूट जाएगा, तुम्हें तुम्हारे दुर्विकल्प निस्सार भाषित होंगे तो तुम उल्टे सीधे सोचोगे नहीं अपने आप। भगवंतों की शरण में भगवान कोई सुख थोड़ी दे रहे हैं, साबुन पानी का निमित्त पाकर के भी स्वच्छता उसकी कपड़े की कपड़े में से आ रही है, ऐसा थोड़ी साबुन पानी में से कुछ आएगा, लेकिन साबुन पानी में से स्वच्छता नहीं आती, इस साबुनी की निस्सारता को नहीं बता रहा। साबुन पानी के बिना ही उस मैले कपड़े को साफ करना चाहता है, वह जीव ब्रह्म है। कहा था ना, बिना देव सास गुरु की श्रद्धा के, भक्ति के, विनय के, बिना जिनोपदेश के, जिनवाणी का स्वाध्याय के ही जो आत्मा समझना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, वह बिना दर्पण के मुख देखना चाहता है। कितनी लापरवाही का जीवन, महीनों बीत जाते हैं, आज ये हो पतड़ी गई कहां, लकड़ी गई कहां, गई कहां, सो कैसे गए हैं? विचार करो बच्चा, मैं महीनों चोरी करता रहा और तुम्हें पता ही नहीं पड़े, वो हमें पता ही नहीं पड़ो, ये कोई जीवन है, ये कोई व्यवस्था है, ये कोई सोच है? तुम्हारे गुलक में से रोज रुपया निकल रहा तो मैं होश ही नहीं है, व्यापार कर पाओगे?
अरे रे प्रभु, विचार करो, सोचो समझो, तेरी परिणति कर जा रही है, अब बताओ क्या करें। अब हम क्या बताएं, क्या करो है, विचार करना। डॉक्टर से बाद में कह रहा, जब बिल्कुल फेफड़े गल गए, ब्लड कैंसर माने वो पूरे खून में समा गया, अब बताओ, अब 2 लाख खर्च कर देंगे, 10 लाख खर्च कर देंगे। अब रईसी दिखाते हो, तब तुमने रईसी की ठसक में किसी की सुनी नहीं, जो तुमने मनमानी प्रवृत्ति करी, अब रईसी दिखा रहे, अब बताओ क्या करें। कुछ नहीं, अब तो मरण होगा, पैसा है तो बर्बाद कर ले, और कुछ नहीं होने। ये ब्लड चुका, कैंसर हो चुका, अब क्या करें बताओ, अब क्या करें। एक रोगी का अभिभावक आया, बोले साहब वो ऐसा होगा, वो वहां पहुंचे, डायलिस होता क्या, हो क्या शब्द तो बोलते हैं, खून बदलते ना है, क्या बोलते डायलिस, वो डायलिसिस होता है। हमने कितने दिन में, बोले रोज। हमने अब क्या कह रहे, अब हम क्या करें, वो ऑक्सीजन लगी है निकाल दें तो अब हम क्या करें बता। तब तो हम घुसेरे भीतर और सवेरे की हवा नहीं खाई, भगवंतों का दर्शन नहीं, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है, बहुत काम है, काम 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 है, बस आलसी जीवन जीते रहे। अब बता, अब क्या करें, अब हम क्या बता दें, का क्यों भाई बता, वो डॉक्टर क्या कहेगा या आप क्या कहोगे, चलो अब क्या करें। भगवान को नाम ले ओ, माला फेरो, मोह छोड़ो, कोई स्वाध्याय होगा तो भेद ज्ञान करो, तत्व विचार करो, स्वरूप की साधना करो, और कुछ नहीं हो सकता, क्षमता रखो बता। और इसके अलावा यही उपाय पहले था, यही उपाय आज है। लेकिन ये उपाय ही नहीं लगता, मायाचारी करना उपाय लगता है। बहुत तबीयत खराब है, बहुत दर्द है, और बहुत वो पलानी परेशानी है, और क्या करें। अरे कह रहे इसी का अपोरे, नहीं तो अपोरे है उसका, अभिमान को छोड़ो, यही उपाय है। इंद्रिय सुख का भी घात करने वाली है कथाएं, कसायों की तीव्रता में इंद्रिय सुख का भी घात होता है। शेख चिल्ली की कल्पना शब्द कहा था ना, आधार ही, क्यों कि देखो अतीन्द्रिय सुख का आधार तुम्हारा वितराग भाव है, धर्म है, और इंद्रिय सुख का आधार वितराग की भक्ति है, पुण्य है, धर्मानुराग है। अब ना तुम्हें धर्मानुराग न धर्म, अब बता इंद्रिय सुख बस सरी 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 से बस भाई भाई घोसल पुसल पड़े। अरे रे प्रभु, विचार तो करो, खूब विचार करो, ये अनित्य है, असरण है, अनित्य है, असरण है, अनित्य है, असरण है, खूब विचार करो, जब तक उसकी अनित्यता भाषित न हो जाए। वेद विज्ञान तब तक भाना जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। अरे तुम्हें तो कुछ पता नहीं है, सम्यक दृष्टि और भावलिंगी संत भी 12 भावनाओं का खूब चिंतन करते हैं। चिंते अनुप्रेक्षा भाई, चिंते, और तुम तो खाली पढ़ लो, वो हमें याद हो गए, वो हम भूल गए, अब हम दोहरा ले, बस चिंतन क्या करते, चिंता नहीं, नहीं लगता है अनित्य है क्या, हमें साहब लगता तो है सब अनित्य, न को लाओ संग न ले जाओ। अरे को की बात नहीं, नहीं तुम अपनी क्यों नहीं, न हम संग लाए हैं, न हम ले जाएंगे, नहीं न कोई की संग आए, न कोई ले आए, कोई कोई सच पूछो, इतनी मानी उल्टी सोच है, जे लोग करते ही नहीं, जे लोग सुनते ही नहीं, जे लोग मानते ही नहीं, तू अपने वो क्या समझ बैठा है, जे लोग नहीं मानते, जे लोग व्यवस्था बनना ही नहीं देते, ये लोग कुछ करते ही नहीं, सुनते ही नहीं है, ये लोग, इससे बड़ा अहंकार क्या होगा। एक घंटे तुम बैठ करके बैठा लो और
क्या लो आपको कर लो, दृढ़ता से जो स्वीकार नहीं हुआ हमारी गलती है, ये हमारी भूल है, या होगी तो ना समझेगी, वैसे ही ऊपर से कहेगा या चुप रहेगा, लगता ही नहीं है हमारी गलती है। इसीलिए तो पराया दोष दिखता है, हमारा दोष हमें दिखता ही नहीं है। और दोष देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वो दृष्टि वह जिनवाणी हमारे माथे है ही नहीं। अच्छाई है सो हमारी है और कमी है सो दूसरों की है। अरे गुरुभद्र स्वामी को याद करो, इस पुराण में जो अच्छाई है सो गुरुजन गुरु की है और कमी दोष है सो हमारा है। अब जब विचारों में आएगी तब वचन में आ पाएगी, में नहीं वचन में नहीं हम ऐसो नहीं सोचत तो कैसो सोचत बता। इसी से मिलता जुलता कुछ सोचते होगे लेकिन सही तो नहीं सोचते, सही सोचोगे तो तुम्हारा व्यवहार सही होगा, उल्टा नहीं हो सकता। माने वचन है, विचार सही हो और वचन उल्टे निकले ये नहीं हो सकता। अंदर में दया भाव हो और बिल्ली ऐसी खिचखिच हो मर जाए सामने वाला जी। दान शासन फिर कल पड़ गए, परसों पड़ गए, इसमें आया अरे धर्मात्मा जीवों को क्रोध कराने वाला जीव महाहिंसक है। हिंसा उसने उसने अपमान करने की बात नहीं लिखी उन्होंने, करने वाला ऐसी कोई चेष्टा नहीं करो, ऐसा वचन मत बोलो कि सामने वाले को क्रोध आया सारे पुण्य छीन होंगे। गुरुजनों को क्रोध करने वाला कराने वाला जीव हिंसक है, हिंसक है, क्रोध हिंसा है। तो कृत कार्य अनुमोदन कराने वाला भी हम लोग घंटों बैठे रहते हैं, ग्रंथ पूरे नहीं करते, उपदेश अपने बड़ों को उपदेश देते हो, उपदेश लेना सीखो, बोलो कम, बोलना कम, बोलने की आदत डालो, कम बोलो प्रामाणिक बोलो, कम बोलो और प्रामाणिक बोलो, जो बोलो उसको निभाना सीखो। हमने क्या कही, आओ बस गए, तुम गए और हम गए, आओ हवा में उड़ गई। अनित्य है इसलिए वो उपलब्ध होने पर भी उपलब्ध करने लायक नहीं, होने पर भी अब तुम पंच परमेश्वर की शरण तुम्हें सूझ जाएगी। कोई दृष्टांत पुराण का दिया था, कथाओं का, कथाओं का कोई याद है? मनोरमा जब आई मैं तो फाटक बंद हो गए, राजा से कहा फाटक नहीं खुल रहा है, फाटक नहीं खुल रहा है, धक्का दे, चार छह आठ लोग मिलकर दे धक्का, हाथी में हाथियन पे तव बांध दे और हाथी के धक्का लगवा, कोई मंत्र तंत्र करो, कछु करो। जब किसी उपाय से नहीं सूझा, सब उपाय झूठे भाषित हुए, तब नंगे पैर दौड़ा मनोरमा के पास, पुत्री मेरे जाने बिना ये अपराध हुआ है। महाराज जी उस दिन बोले 70 कूड़ा का बंद दर्शन मोहनी का मालूम है किन परिणामों से होता है, केवल सत्संग धर्म देवा वर्ण वादो। धर्मात्मा जीव को, सच्चे जीव को झूठा दोष लगाना, शंका करना, धर्मात्मा संघ में आ गया धर्मात्मा, केवल ही श्रोत संघ देवा वर्ण वाले देव, देव में स्वर्ग के देव आए, क्यों केवली अलग हो गए तो वो स्वर्ग के देव, स्वर्ग के देवों को क्यों लिखा, ये नाना प्रकार की पूजा पाजी करते हैं, जी ऐसो कर दिए, बे ऐसो कर दिए, इन्हें ऐसो कर दो, भिन्न वैसो कर दो, अरे तुम्हारे कर्म के बिना किसी ने कुछ नहीं कर दिया, वो
और न जाने कितनी कल्पना है, वो गुड़ खाती है, वो सनी तेल से वो विवास है, वो बास है जी बास है जी बास है। ये अवर्णवाद माने देवों का जो स्वरूप है उसको न समझ करके नाना प्रकार की कल्पना बना लेना। अज्ञान में शंका होना स्वाभाविक है, लेकिन उसका समाधान करे तो है विवेकी धर्मात्मा मोक्ष मार्गी मुमुक्षु। और शंका में पड़ा रहे शंका शंका में फिर हम बैठे रहे। हमने देखो सीता जी के प्रसंग में देवों ने यही तो कहा, धन्य धन्य धनी धन ए देख देख हम उनको कहें बेकार। वह ईमानदार मंत्री अंगूठी खो गई राजा की याद है तुम्हें, जब से अंगूठी खोई है तभी से उपद्रव आया है और मंत्री ने ली होगी, चलो देखते हैं निरीक्षण करो महाराज मत हमारी लाज लुटाओ। जब नहीं कर नहीं तो डर खाएगा तुम, चलो कुटिया देखो। देखी अंगूठी तो नहीं मिली, दौड़ा आया आदमी, महाराज ये अंगूठी पकड़ो चोर है। अरे चोर नहीं हूं मैं, कई दिन बाद बाहर से आया तो आंगन में ये अंगूठी पड़ी मिली। सोचा मैंने सोचा मुझ पर अभियोग लगाया जा रहा है, दोषारोपण हो रहा है, जाकर के निर्दोष सिद्ध कर दें। अरे वे तो निर्दोष हो ही गए, लेकिन जड़ के मोह में हमने चेतन को खो दिया। दीक्षा लेकर के चला, जैसे जिनवाणी में शंका करना जिन वचनों में शंका करना है ऐसे कहीं भी जाने जी का कर रहे, जाने जी का हो रहे तो जाने जी का दे दो, जाने जी का कर रहे जाने जी का हो तो है। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं वो 70 कोड़ी मोहनी के बंध का कारण है। मैंने कहा बात तो सही है, दान में बताई थी ना दात्र पात्र द्रव्य और विधि की विशेषता से विशेषता आती है। ऐसे ही सामान्य एक इंद्री के घात में जितना दूर है, दो घात में उसे अनंत गुना है, तीन इंद्री में अनंत गुना, चार इंद्री में अनंत गुना, पांच इंद्री में अनंत गुना, संगी में अनंत गुना, फिर श्रावक्य में अनंत गुना और एक मुंडाई का घात करे तो अनंत गुना। पाप है ना, क्यों वो दुर्लभता आपको समझ में नहीं आती तो समझ लो। क्यों भाई एक लीटर पानी फैल जाए कितना नुकसान, एक लीटर दूध फैल जाए तो कितना नुकसान, एक लीटर घी फैल जाए तो कितना नुकसान। एक ही लीटर है, एक ही लीटर तो है, एक लीटर पानी, एक लीटर दूध, एक लीटर घी। अब बताओ कितना कितना नुकसान बढ़ के हो गया, बहुमूल्यवान है। ऐसे ही यहां है वो दुर्लभ पर्याय। जब ये अवर्णवाद झूठा दोषारोपण होता है, धर्म धर्मात्माओं पर होता है, सत्पुरुषों पर होता है, ईमानदार लोगों पर होता है, सत्कार्यों के प्रति होता है, तब वो दर्शन मोनी के उत्कृष्ट बंध बनते हैं। अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, अंधा विश्वास करना, निर्णय करने की बात कर रहे। शंका होती है तो निर्णय करना चाहिए, यदि निर्णय नहीं करते तो दर्शन मोनी कर्म के भी बंद। पता नहीं है हम कुछ पाप कर रहे हैं, जब धर्म नहीं हो रहा और पुण्य नहीं हो रहा तो पाप नहीं है तो कहा है तीसरी चीज, पाप ही तो है, परमाचर्या पाप है, ब्रह्मचर्या पाप है, धर्मानुराग नहीं होना तो विषयानुराग हुआ तो पाप है, शरीर का अनुराग हुआ तो पाप है, भोगों का अनुराग हुआ तो पाप है, परिवार का मोह हुआ तो पाप है, आखिर पाप ही तो है ये सब, और का धर्म है कि पुण्य है। अनित्य भावना को भाव पहली क्लास पास कर लो तब तो दूसरी में आओगे, जब दूसरी पास करोगे तब तो तीसरी में आओगे। अभी तुम्हें ये सारी संयोग स्थितियां भोग संयोग ये अनित्य भाषित इसलिए लगे है? आपको बताया था ना भौतिक विज्ञान और वितराग विज्ञान का अंतर,
हाँ भौतिक विज्ञान अनित्य को नित्य बनाने में लगा। विकराग विज्ञान कहता है अनित्य तो अनित्य ही रहता है, वो अनित्य नहीं हो सकता। अब ये बात अलग है कि तुम अपना नित्य स्वभाव देखो, ये तो छूटेगा शरीर। अब तुम इसे मोह छूट करके आत्मा की आराधना करो, वो नित्य बस। तुम ये लाख कोशिश करो, करोड़ कोशिश करो, शरीर नित्य नहीं होगा। शरीर तो तीर्थंकरों का नहीं रहा भैया, नित्य नहीं। तुम्हारी ये भौतिक सही है नहीं है, आत्मिक संपदा वही नित्य संपदा होगी। हा भगवान आत्मा नित्य शुद्ध संपदाओं की खान। भगवान आत्मा कहता है नित्य शुद्ध संपदाओं की खान है। अब तुम बाहरी संपदा को नित्य बनाना चाहते हो, इतनी जमीन लेके डालते, इतना सोनो वर्क कर दो, इतना फलानो कर दो, इतनी ये आमदनी हो गई, वो आमदनी हो गई, हम चले गए सुखा आमदनी हो गई। एक गांव में गए, अच्छा सा गांव है, तो चौधरी जी बोले, अध्यक्ष थे शायद या कोई और दूसरे होंगे, अरे महाराज हमने तो इतना इंतजाम कर दो, इतनी इतनी बनवा दी, लड़का बारी कछु न दें तो अपने मंदिर की व्यवस्था आराम से चलती रहेगी, इतनी आमदनी कर दी हमने। अरे चौधरी जी इसका दुरुपयोग होगा, बाहर हमें संस्कार में खर्च करो, अगर संस्कार शून्य बच्चे हुए तो उल्टी सीधी आमदनी है, जाके पल्ले में पड़ गई, मंदिर की दुकान, मंदिर को मकान, मंदिर दो रुपया देगो, चार रुपया देगो, दस रुपया देगो, बहुत देगो नहीं देगो, मट्टी डरा देगो, पुराने जमाने की बात है मट्टी। और मान लो आवी आएगी, आवी आएगी तो उल्टे सीधे कामों में खर्च करेगा। अरे दान के संस्कार दे, जो फंड मत बनाओ, ये आमदनी मत करो, दान के संस्कार बच्चों में आएंगे, पूजा के संस्कार होंगे तो करेंगे, और नहीं तो कोई पूजा करे, वो पुजारी रहते, पुजारी कैसी पूजा करे, वो बता, हर काम के लिए कर्मचारी ढूंढोगे, जब तुम्हें रुचि नहीं है, तुम्हें अपने काम से फुर्सत नहीं, हर काम के लिए कर्मचारी ढूंढोगे। अरे भगवान की सेवा में को अपना सौभाग्य समझो, कर्मचारियों पर कराओगे तुम, क्या करोगे, तो कितो करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हो बोलो। हनी चौधरी जी इनके लिए शिविर लगाओ, पाठशाला करो, इनके खूब खर्च करो, कमाने की दुकान है, ये तो खर्च करने के स्थान है, सदुपयोग करने के स्थान है, यूं आमदनी करे और फिर पीछे से लड़ोगे और फिर वैसे म्यूनिसिपलिटी जैसे चुनाव होएंगे और फिर चाहे को आए चाहे कैसे हुए फिर क्या हो। ये परंपरा जहां परिग्रह है वहां अनर्थ है, अनित्य को अनित्य समझ में आ जाए तब आगे चल पाओगे, अनित्य अनित्य समझ में नहीं आएगा, जगत असरण समझ में नहीं आएगा तब तक तुम नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पर में पर बुद्धि आए बिना निर्णय के बल पर उपयोग अंतर में ढलता ही नहीं है, ढलता ही नहीं तो होता ही नहीं। क्यों जाएगा जिसको रोग का ज्ञान नहीं है, रोग है क्यों वैद्य की शरण में जाएगा, बता कहां को जाएगा, तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं है, पुण्य के उदय में पाप सब अनुकूलता है, अब तुम काय को मंदिर जाओगे, काय को पूजा करोगे, काय को स्वाध्याय करोगे, और मान लो कुछ करोगे भी तो काय के लिए बनी रहे, या उसमें कोई गड़बड़ी आई परेशानी आई तब तुम हे भगवान बचा ले, का बचा ले, अपने परिणाम को तो बचाओगे नहीं, जे जायदाद बचा ले, शरीर बचा ले, ये मर रहा हो सोचा बचा ले, अरे जे नहीं जे तो अनित्य है भाई, आपके आराधन करने वाले जीवों की योग क्रिया स्वयमेव होती है, सहज बने होती है, अयोग क्रिया होती नहीं, योग क्रिया खींच करके करनी नहीं पड़ती,
जी इसका अर्थ बताओ। चलो जो दो तीन दिन पहले कहा उसको मैसेज ही बता दो, बस इतना ही करेंगे। बोलो अभिमान होता नहीं और योग्य विनय सोच करके नहीं करनी पड़ती। अबात्सल्य होता नहीं और बात्सल्य सोच सोच करके नहीं करना पड़ता। अब भक्ति होती नहीं और भक्ति सोच सोच करके अब कौन सी पढ़े, अब क्या करें, अब क्या करें, सोच सोच करके नहीं करनी चाहिए। अवच्छ भक्षण होता नहीं और शुद्ध भोजन सोच करना पड़ता। अन्याय होता नहीं और न्याय प्रवर्ती नीति सोच सोच करके नहीं करना पड़ता। अप्रतिक्रमण प्रमाद रूप होता नहीं और प्रतिक्रमण सोच सोच करके नहीं करना पड़ता। कौन सी बात कहें कौन सी न कहें, माने देखो ना, सोच सोच करके योग क्रिया नहीं करनी पड़ती। वैसे ही तो चलते नहीं और सोच सोच करके देख देख के चले, ऐसा ताकत नहीं लगानी पड़ती। इंद्रिया समिति से गमन होता है, भाषा समिति से हैं वचन निकलते हैं, ऐसा समिति से आहार होता है, आदान निक्षेपण समिति से उठाए उपकरणों का उठाना रखना, शरीर का उठाना रखना होता है। शरीर भी उपकरण है, मालूम है प्रवचन सार में और उपकरण क्या कहे बता। गुरु का वचन भी उपकरण है, जो वचन है ना, जिन वचन बे उपकरण है। उपकरण किसको कहते हैं, उपकरण का तत्व सूत्र याद करो। जीवों क्यों लगा दिया, बस जो जिसका उपकार करता वो उपकरण कहलाता। तो ये मोक्ष मार्ग के उपकरण है। ऐसी बने सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं, यानी कहां पड़ी रहती है समझ में नहीं आती, हमको बहुत अच्छा नहीं लगता। उठे बस अपने काम में लग गए, बस चले वहां बैठ गए, जैसे कछु नहीं बाबू, तुम आओ काम कहो, हम आओ काम सुने। नहीं भाई, सुनना सुनने के लिए नहीं है ना, सुनना सुनने के लिए है, समझना आचरण करने के लिए, श्रद्धा ज्ञान आचरण। अनित्य को अनित्य समझो, असरण को असरण समझो, ये सब असरण हैं। हैं शुद्धात्मा और पंच परमेष्टि के अलावा कोई शरण नहीं है, ऐसा समझ करके ही भाई अन्यत्र अपने उपयोग को मत भ्रमाओ। बाहर के योग भी सब इसी से मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे स्वयं ही। ओम नमः।